चलिए धर्मदा चार्जेस क्या होता है प्लीज? अच्छा आपने लक्स साबुन का एड देखा होगा, एडवर्टीजमेंट मतलब लक्स में लिखा हुआ कि आपका हर एक लक्स साबुन मान लो 10 रुपए का, और नीचे में लिखा होता है इसमें से 1 रुपया हम डोनेट करेंगे। आईटीसी का जो कॉपी होता है उसमें भी लिखा होता है कि ये कॉपी 50 रुपए का, अगर आप ये देंगे तो हम इसका 1 रुपया हम चाइल्ड केयर में डोनेट करेंगे या चाइल्ड एडुकेशन में देंगे। और चांदनी चौक में अगर आप गेहूं मतलब कुछ बहुत ज़्यादा है वो लोग इनवॉइस काटते हैं और धर्म के नाम पे या चैरिटी के नाम पे 1.25 रुपया लिख देते हैं और प्लस गुड्स का प्राइस लिख देते हैं, ठीक है। अब सवाल उठा एक्साइज ड्यूटी जो लगेगी वो 10-1 पे लगेगी, 50-1 पे लगेगी या 50 पे लगेगी या 10 पे लगेगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो आप 1 रुपया डोनेट कर रहे हैं ये बाय लॉ डोनेट नहीं कर रहे, और इट इज नॉट ऑन योर ऑब्लिगेशन कि आपने अगर ये पैसा लिया तो आप डोनेट करना ही पड़ेगा। दिस मनी कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस एज पर योर विश, देयरफॉर दिस प्राइस इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू एक्साइज ड्यूटी। अब सवाल उठता है कि 1 रुपये किस लिम्ब पे आएगा, ट्रांजेक्शन वैल्यू का जो डेफिनेशन दिया वो उसका पार्ट 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा? 3 में आएगा या नहीं आएगा? 3 में लिखा हुआ नहीं है। अब बचा 2 या 1, 2 में आएगा या नहीं आएगा? इन कनेक्शन विथ और बाय रीजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स उसके कारण आएगा, या फिर मैं यूं कहूं कि ये तो गुड्स का ही प्राइस है, ये तो इंक्लूसिव प्राइस है ना? ये तो प्राइस इंक्लूसिव है, ऐसा थोड़ी है गुड्स का प्राइस 9 रुपया प्लस 1 रुपया जैसे यहां पर लिखा हुआ था। तो दिस इज ऑल प्राइस इंक्लूसिव, धर्मदा चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड हियर। तो ये पार्ट 1 में आएगा, पढ़ते हैं। एज पर पार्ट 1 डेफिनेशन ट्रांजेक्शन वैल्यू इज प्राइस पेड और पेबल फॉर गुड्स, धर्मदा चार्जेस आर नीदर गुड्स नॉर रिलेटेड टू द सेल ऑफ मेन गुड्स, देयरफॉर धर्मदा चार्जेस डू नॉट फॉल इन ईदर इन पार्ट 2, 3 और पार्ट 4, देयरफॉर दिस धर्मदा चार्जेस हैज टू बी चेक्ड विद रेफरेंस टू पार्ट 1 डेफिनेशन। एक्चुअली धर्मदा चार्जेस आर प्राइस पेड और पेबल फॉर द गुड्स, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द बायर फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ सच धर्मदा चार्जेस फॉर चैरिटी, इट इज ऑल्सो नॉट एट ऑल नेसेसरी सच धर्मदा चार्जेस शैल एक्चुअली बी पास्ड फॉर charity purpose, the manufacturer can keep this amount to itself which is actually price paid or payable for the goods, example Lux soap ITC copy where it is written on every sale made rupees 1 shall be donated। अब book my show में भी देखो ना उसमें आपको option दिया जाता कि 1 रुपया add करना है या नहीं करना। Messrs. Panchmukhi Engineering Works, the issue whether the amount of Dharmada collected from the buyers by the SSE is includable in the assessable value or not has been subject matter of dispute in number of cases. Recently in this case Supreme Court decided in favor of the revenue and hence included. ठीक है, warranty charges बताइए, warranty charges part of सेल प्राइस ऑफ गुड्स होगा या नहीं होगा? तो वारंटी चार्जेस में अगर आप देखें तो आप गाड़ी लेते हैं तो 1 साल की वारंटी, कोई और गुड्स लेते हैं तो 1 साल की वारंटी होती है या नहीं होती है? होती है। जब आप गाड़ी लेते हैं तो वो बोलते हैं कि आप अगर और पैसे देंगे तो हम ये वारंटी एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंडेड वारंटी। मान लीजिए इसका वो 2000 रुपये मांगते हैं और आपकी वारंटी 1 साल की जगह कितनी हो जाएगी? 2 साल। तो गुड्स के साथ जो वारंटी ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है वो 1 साल का होता है? एक्सटेंडेड वारंटी आपको अलग से दी जाती है? क्या जो एक्सटेंडेड वारंटी 2000 रुपया है इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? बिकॉज इट इज ए सेपरेट प्रोडक्ट, इट इज ए सेपरेट प्रोडक्ट। और ये एक्सटेंडेड वारंटी आप याद रखना मैन्युफैक्चरर तो बेचता भी नहीं है, कौन बेचता है? डीलर्स बेचते हैं।
ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके, तो इट इज अ सेपरेट प्रोडक्ट, इट विल बी सब्जेक्टेड टू सर्विस टैक्स. आइए पढ़िए. वारंटी चार्जेस, वारंटी चार्जेस विल ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू एज इट इज चार्ज इन कनेक्शन विद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स रिकवर्ड फ्रॉम द बायर. In this context, it may be clarified that it is immaterial whether the warranty is optional or mandatory. Since the value can be different for different transactions, wherever the warranty charges are paid or payable to the SSE, in those transactions, warranty charges shall form part of the assessable value. In those transactions where warranty charges are not recovered, the question of not including warranty charges in transaction value does not arise. तो इसमें और भी बहुत सारे केसेस हैं, उस डिस्प्यूट में नहीं जा रहे, फाइनल लेवल के लिए था. नोट, एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस आर नॉट पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू सिंस इट इज नॉट इन कनेक्शन विद सेल ऑफ मेन प्रोडक्ट. ये वाला देख लेते हैं. मोबाइल फोन प्लस चार्जर प्लस हेडफोन और कुछ होता है इसमें, यही तीन चीज होती है. मैन्युफैक्चरर, मैं मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता हूं लेकिन चार्जर और हेडफोन मैं किसी और से खरीदता हूं, तो इसको मैं कहता हूं बॉट आउट आइटम्स, BOUGST, bought out item. ठीक है, फिर ये तीनों चीज मैं पैक करके फैक्ट्री गेट से निकालता हूं. मान लो मोबाइल फोन 8000 का, bought out आइटम 2000 का. अब जब फैक्ट्री गेट से निकल रहा है तो ये तीन चीज निकल रही है, एक्साइज ड्यूटी 8000 पे या 10000 पे. और ये याद रखना, ये जो बॉट आउट आइटम है ये मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया है. एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? मैन्युफैक्चर पे लगती है. मैन्युफैक्चरिंग मैंने क्या किया है? मोबाइल फोन. ये मैंने मैन्युफैक्चर नहीं किया है. अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, एक्साइज ड्यूटी 8000 या 10000? टेक्निकली 8000 है ना. लग किस पर है, लगाते किस पे है? क्या ये कंपलसरी है या ऑप्शनल है मैन्युफैक्चरर के लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए कंपलसरी है, ऑप्शनल है? ऑप्शनल है. अब देखिए, लॉ ये कहता है कि अगर आपने 8000 रुपए पे एक्साइज ड्यूटी दी है, या यूं कहता है अगर आपने 10000 रुपए पे एक्साइज ड्यूटी है, 2000 रुपए ऑलरेडी इंक्लूडेड है. समझ मारा है? ये 2000 रुपए में जब आपने ये परचेज किया था तो एक्साइज ड्यूटी दे चुके होगा. मान लीजिए 10 रुपए आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? जब ये ये 2000 ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड होता है तो आपको एक्साइज ड्यूटी आप कितने पे देना पड़ रहा है? 15 रुपए पे. ये 10 रुपया का क्रेडिट आप यहां एडजस्ट कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपने 8000 रुपए पे एक्साइज ड्यूटी दिया तो इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. क्लियर है? बताइए लोग क्या करेंगे, 8000 पे या 10000 पे? 10000 पे. क्यों? क्योंकि इसका अकाउंटिंग रखना बहुत मुश्किल है. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बॉट आउट आइटम्स के ऊपर भी वो एक्साइज ड्यूटी लगा देता है मैन्युफैक्चरर, और जितना क्रेडिट मिलना उसको क्रेडिट मिल जाता है. आप सोच के देखिए, इतने सारे परचेजेस, लाखों परचेजेस, इस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, इस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, दिक्कतें होंगी अकाउंटिंग रखने में. इससे अच्छा सब पे मिलेगा, सब पे उठा के दे दो, वैल्यूएशन में भी चक्कर आएगा. नहीं, 8 और 2 किया, नहीं 9 और 1 करो, 9.5 और 500 करो. इस पे भी तो लड़ाई हो सकती है. मैंने 500 रुपये में बॉट आउट खरीदा, मैं 600 रुपये में बेचूंगा, 700 रुपये में बेचूंगा, हु नोस. तो इन सब से, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जितना रुपया का बॉट आउट आइटम है उन सब का आप क्रेडिट क्लेम कर लीजिए, और प्राइस में, इंक्लूसिव प्राइस में सब कुछ मिला के आप बाइफर्केशन देने की तो जरूरत ही नहीं होती है. ये मोबाइल फोन 12000 का इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एक्साइज ड्यूटी लगा दो, क्रेडिट एडजस्ट कर लो, आसान है. ठीक है,
तो गाड़ी आज मारुति, आप सोच के देखो जो सुजुकी मारुति सुजुकी है वो क्या बनाता है? वो सिर्फ इंजन्स बनाता है, बाकी सब कुछ वो बाहर से परचेज करता है। म्यूजिक सिस्टम वो बनाता है क्या? टायर्स वो बनाता है क्या? ग्लासेस वो बनाता है क्या? वो सारा तो बॉट आउट आइटम्स है। आप सोच के देखो, अगर आप कहते हैं कि सर नहीं नहीं बॉट आउट आइटम्स के ऊपर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो रो देगा बैठ के। आसान क्या है उसके लिए? बॉट आउट आइटम्स का, जितना भी बॉट आउट आइटम्स है उन सब का वो ITC क्लेम करे और टोटल गाड़ी बेच के उसका क्रेडिट क्लेम कर ले, एक्साइज ड्यूटी पे करके एडजस्ट कर ले। सर अगर अमेंडमेंट जैसे हमारे को, मैंने बॉट आउट किया 2000 का, उस पर लगा मेरा 6% अमेंडमेंट पार्शियल एग्जेम्पशन, और जब हम बेच रहे हैं तो 12000 के गुड्स बेच रहे हैं उस पर 15% टैक्स, मतलब एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो क्रेडिट मतलब अगर तुमको लगता है इससे अगर फायदा हो रहा है इंक्लूड मत करो। पढ़िए प्लीज। अब ये बॉट आउट आइटम्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक कंपलसरी एक ऑप्शनल। अगर कंपलसरी है तब तो ऐड करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। लेकिन अगर ऑप्शनल है तो आपके पास चॉइस है ऐड करें या ना करें, ठीक है। तो पार्ट अगर लिखा हुआ है जैसे टायर पार्ट है, तो टायर आपने बाहर से खरीदा है और उसको रिमूव कर रहे हैं बॉट आउट आइटम को, तो वो इंक्लूड होके ही रहेगा। और अगर एक्सेसरीज लिखा हुआ है यानी कि एड ऑन है, जैसे म्यूजिक सिस्टम, कई गाड़ी है जो बिना म्यूजिक सिस्टम के भी बिकती है, तो म्यूजिक सिस्टम आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं वो आपके ऊपर ऑप्शन है। पढ़ते हैं एक बार। पार्ट और एक्सेसरीज बॉट फ्रॉम आउटसाइड मार्केट, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय द SSC, therefore conceptually no levy no duty. Part is an essential component of the whole, without which the whole cannot function. Its value shall be included in transaction value as per part 2 definition. Accessory is secondary or supplementary or subordinate in nature and need not be essential for actual functioning of the main product. Value of accessory is not liable to be included in the assessable value of final product. However, if SSC still pays duty on value inclusive of value of accessory, then he shall be allowed sandwich credit of duty paid on accessories. अब कार के लिए टायर पार्ट या एक्सेसरी? पार्ट, तो इंक्लूड होगा या नहीं होगा? होगा, ही डज नॉट हैव एनी ऑप्शन। कार के लिए म्यूजिक सिस्टम एक्सेसरी, मोबाइल के लिए हेडफोन एक्सेसरीज, कार के लिए स्टीयरिंग व्हील पार्ट, AC के लिए स्टेबलाइजर एक्सेसरीज। हाँ, स्टेबलाइजर जरूरी थोड़ी है, लोग लगा लेते हैं बट इट इज नॉट नेसेसरी। मेरे घर में तो बिना स्टेबलाइजर का चल रहा है। अरे फूक जाएगा, लेकिन मेरे घर में चल रहा है बिना, वो एक्सेसरीज ही है, मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी। और जहाँ पर स्टेप वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर स्टेबलाइजर की जरूरत पड़ती है, जहाँ नहीं है वहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, आपके उससे तो नहीं निकलेगा ना, है तो रहेगा एक्सेसरी ही। अगेन, इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट्स और फाइनेंसिंग चार्जेस, इसके बारे में हम लोग बता चुके थे आपको। इंटरेस्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट, इसको समझ लीजिए, मैं उसको पहले फिर पढ़ता हूँ। मैं आपको गुड्स तभी बेचूंगा जब आप मुझे, मान लीजिए मुझे आपको गुड्स बेचना है 10 लाख रुपए का, मैं आपसे एडवांस लूंगा कितना? 25 करोड़। मन कर रहा है मेरा? अब आप सोचिए, एडवांस तो मैं रिजनेबली लूंगा ना, 1 लाख। मैंने एडवांस ले लिया 25 लाख रुपया, और मैंने कहा कि ये गुड्स मैं आपको, अगर आप मुझे 25 लाख रुपया एडवांस दोगे तो मैं आपको गुड्स कम दाम में बेचूंगा। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ है कि मैंने एडवांस, मैंने इतना ज़्यादा ले लिया, उस एडवांस के कारण मैंने आपको डिस्काउंट दिया है। इसका मतलब कॉस्ट प्लस एक्सपेंस प्लस प्रॉफिट के ऊपर मैं एक्साइज ड्यूटी नहीं दे रहा हूँ। जो इनवॉइस प्राइस है वो रियल इनवॉइस प्राइस नहीं है, रियल ट्रांजेक्शन वैल्यू, रियल एसेसिबल वैल्यू नहीं है। तो
तो ऐसे केस में वो जो आपने एडवांस के कारण डिस्काउंट दिया है उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी लग जाएगी, समझ में आया? तो नॉट इन एवरी केसेस इंटरेस्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है. कब लगेगी? कब लगेगी? जब मैं आपसे ज्यादा एडवांस ले लेता हूं जिसके कारण डिस्काउंट दे रहा हूं. ठीक है, दूसरी कहानी. मैंने आपको उधार बेचा, मैं आपसे इंटरेस्ट मांगूंगा कितना? रीजनेबल या 100% पर मंथ? रीजनेबल. लेकिन अगर यहां भी अगर कुछ फ्रॉड नजर आया तो उसके ऊपर वो एक्साइज ड्यूटी लगा देगा. पढ़िए एक बार. इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट्स इज ए नॉर्मल प्रैक्टिस इन इंडस्ट्री. इंटरेस्ट अंडर ए फाइनेंसिंग अरेंजमेंट्स एंटर्ड बिटवीन द एसएससी एंड द बायर. समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट अंडर ए फाइनेंसिंग अरेंजमेंट. 25 करोड़ ले लिए, 25 लाख ले लिए, 2 रुपया का गुड्स आपको ट्रांसफर. इसका मतलब मैं एडवांस अगेंस्ट गुड्स नहीं है, ये तो कुछ और कहानी है. एंड द बायर रिलेटिंग टू द परचेज ऑफ एक्साइजेबल गुड्स शैल नॉट बी रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ द एसेसेबल वैल्यू प्रोवाइडेड दैट ए द इंटरेस्ट चार्जेस आर क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द गुड्स, बी द फाइनेंसिंग अरेंजमेंट इज मेड इन राइटिंग, सी वेयर रिक्वायर्ड एसएससी डेमोंस्ट्रेट्स दैट सच गुड्स आर एक्चुअली सोल्ड एट ए प्राइस डिक्लेयर्ड एज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल. ठीक है, अब आगे एक